ਜਗਵਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਤੇ ਰੱਬ ਇਹ ਹੱਕੇ ਬੋਲਣ ਦਾ हाईवे में मौजूद हैं और आप मेरे सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पिछले पौने घंटे से बंद पड़ा हुआ है। और यहाँ पे हम आपको ये बता दें ये पूरा मामला क्या है। ये मामला ये है कि एक जुरेबा नाम की बीवी की पिछले 3 महीने पहले संदिग्ध तरीके से मौत हो गई थी। वहीं पर ही उसके जो परिजन परिवार के परिजन हैं उन्होंने आरोप लगाया था कि जुरेबा बीबी की हत्या उसके ससुराल वालों की तरफ से हत्या की गई है। उसी को सिलसिले को लेते इन्होंने पिछले 3 महीने पहले से ये जिला प्रशासन से और कठुआ पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और आज उन्होंने उसी के चलते आज यहाँ पे जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे बंद कर दिया हुआ है। हम आपको बता दें इस मौके के ऊपर यहाँ कठुआ के SHO अमित सागड़ा भी यहाँ पे मौजूद हैं और वो इन जो यहाँ पे जिन लोगों ने ये नेशनल हाईवे बंद किया है उनको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त जुरेबा की बहन हमारे साथ है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आखिर आप बताओ ये क्या सारा मामला है। मतलब कि उन्होंने पहले हमें फ़ोन किया था जुलेखा बीबी ने शाम को कि मुझे मेरे जेठ ने मारा हुआ है, तो फिर वापस सुबह फ़ोन किया कि जुलेखा बीबी ने मतलब बीमार है कुछ ऐसा बोला था। तो फिर उसको हम मम्मी और डैडी आए थे, उन्होंने फिर मम्मी डैडी को कहने लगे कि हम जम्मू हॉस्पिटल की तरफ गई तो सांबा पता नहीं बाजीपुर में पहुँच गई। तो उन्होंने वापस फ़ोन किया कि घर को आ जाओ, अगर वापस घर को आने लगे तो उन्होंने फ़ोन किया कि हम कालीबाड़ी हॉस्पिटल में, अगर हम कालीबाड़ी हॉस्पिटल में पहुँचे तो वहाँ उसकी डेथ हुई थी। तो मतलब कि सभी बोल रहे थे कि पोस्टमार्टम नहीं करना है हमने, हम मतलब कि हम नहीं करते, तो हमारे मजे में पोस्टमार्टम करना नहीं करते। तो फिर उन्होंने क्या हमने पोस्टमार्टम SHO सामने हमसे पोस्टमार्टम लिखवाया कि पोस्टमार्टम करा, जबरदस्ती DSP साहब ने हमसे पोस्टमार्टम, फिर हमसे उन्होंने झगड़ा किया, उसके ससुराल वालों ने हमसे झगड़ा किया था। उसके बाद हमने पोस्टमार्टम किया था, फिर पुलिस बोल रहे कहने लगे कि हम पे विश्वास करो, हमने विश्वास किया था। आज ये कौन से कैसे बोल रहे हैं कि हम पे विश्वास करो, कैसे विश्वास करें, ये 3 महीने के बाद आज आपने यहाँ पे जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे बंद किया। अब आप चाहते क्या है प्रशासन? हमें कत्ल के बदले कत्ल लिखे दे दो, जहाँ पर एक तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा देते हैं, बेटी के इंसाफ के लिए वो हमेशा कहते हैं कि हम खड़े होंगे, लेकिन आज बेटियों को और माओं को यहाँ पे सड़क के ऊपर उठना पड़ रहा है, इसके बारे में इंसाफ नहीं है उनके पास, क्या इंसाफ करेंगे? अगर इंसाफ होता तो हमारी लड़की का इंसाफ नहीं होता। अगर पुलिस के पास इंसाफ नहीं है तो हमें लिखे दे दो, हम खुद इंसाफ कर लेंगे। अगर पुलिस नहीं हमारा इंसाफ कर सकती तो हम इंसाफ कर देंगे, हम करेंगे, खुद इंसाफ करेंगे। अभी भी ये बोल रहे हैं कि हम पे विश्वास करो, हम पे विश्वास करो, कैसे विश्वास करें हम इन पे? उनको रेस्ट कर दो बस, या हमें लिख कर दे दो उनके बदले खून चाहिए, जान को रेस्ट करो बस। आप देख सकते हैं कि उनके जो परिवार जन हैं उन्होंने साफ तौर पे ये कहा हुआ है कि हम यहाँ से राष्ट्रीय मार्ग से हटने के लिए। राकेश रोशन के साथ हरप्रीत सेठी, अर्ली टाइम, कठुआ।